अर्ज किया है कि आपकी स्माइल ने सारा जहां हिला दिया, आपकी स्माइल ने सारा जहां हिला दिया, कोमा से जागे मरीज को परमानेंट सुला दिया। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था, उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। शादी हमेशा मोटी लड़की से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको मारने के लिए दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। मेरे मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। लड़की, मैं पापा की परी हूँ। लड़का, हाँ तो मैं भी पापा का पारा हूँ। लड़की, पारा मतलब लड़का, पापा जब भी मुझे देखते हैं उनका पारा गर्म हो जाता है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि गर्लफ्रेंड का मतलब गोबर फेंकने वाली होता है। मुझे तो रात भर ये सोचकर नींद नहीं आती कि पता नहीं मेरी वाली खाना बनाना सीख रही होगी या मुझसे ही बनवाएगी। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया कि लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। लड़कियां रोटी भले ही 2 खाएगी लेकिन गोलगप्पे 40 खाने का कलेजा रखती है, इनका पेट है या भगोना। आजकल हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था, उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। पहला प्यार, लोग कहते हैं कि पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग माँ बाप का प्यार क्यों भुला देते हैं। पड़ोस वाली आंटी मेरी माँ से बोली, आपका लड़का पूरे दिन घर में बैठे बैठे बोर नहीं होता। माँ बोली, अपनी बेटी के नंबर दे दीजिए। हे खुदा, एक दे नेक दे और बेवफाओं को नाली में फेंक दे। आजकल लोग घर में कोई भी खाने की चीज बनाकर उसका स्टेटस ऐसे डालते हैं जैसे हम लोग तो घर में रेत या सीमेंट ही खाते हैं। पता नहीं सब अपना दिल किसी को कैसे दे देते हैं। मैं तो किसी को अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ना दूं। हे भगवान, उन्हें भी खुश रखना जो हमें खुश नहीं देख सकते। टंकी में टंकी, टंकी में पानी, के टंकी में टंकी, टंकी में पानी, कोई तो बोल दो तू मेरा राजा मैं तेरी रानी। ए दोस्त, बांध ले कफन में बिस्की की बोतल, कब्र में बैठकर पिया करेंगे, इन लड़कियों से मिली बेवफाई, चल अब चुड़ैलों से सेटिंग किया करेंगे। बचपन में सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब सारी रात बारिश होती थी और सुबह स्कूल जाने के टाइम पे बारिश बंद हो जाती थी। दोस्तों, वो लोग भरोसे के लायक नहीं जो अपने व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी छुपाते हैं। पत्नी, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। पति, गबार औरत और अम्मा जान नहीं, अमेज़न होता है। जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी खुश होता है। मैं बात आईने की कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। दिल ने कहा फ्रेंड को मैसेज कर, फोन उठाया और सोचा रहने दे, दिल तो पागल है। फिर सोचा दिल पागल है तो क्या हुआ, फ्रेंड कौन से नॉर्मल है।
सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी सेटिंग करवा दो, वरना कहते फिरोगे लड़का तो ठीक था लेकिन मेरी वाली लेके भाग गया साला। के हर गलती सिर्फ सॉरी बोलने से माफ नहीं होती, कुछ गलतियों के लिए थप्पड़ मारना भी जरूरी होता है। हम जिससे प्यार करते हैं उसका गुस्सा और नाराजगी दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। बच्चों के साथ बड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए, वरना परिणाम खतरनाक हो सकता है। एक बच्चा नल से पानी आते देखकर अपने बाप से बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा बोले, बेटा नदी से। बेटा बोला, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ से कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। प्लेन उड़ाने में इतना मजा नहीं आता जितना कि दोस्तों का मजाक उड़ाने में आता है। नीचे क्या लिखा है? पढ़ लिया ना तुमने? आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कोई झूठ नहीं बोलेगी, जिसने पढ़ा है वो सामने आ जाए। के ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है, जिंदगी जियो शान से क्योंकि मेरे तो फ्रेंड ही बेस्ट है। ए दोस्तों बांध लो कफन में चॉकलेट, कब्र में खाएंगे, इन लड़कियों ने तो धोखा दे दिया, अब चुड़ैलों को पटाएंगे। अगर कोई आपका मजाक बार बार उड़ाए तो बुरा मत मानिए, हो सकता है उसे गाली खाने की आदत हो।